हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे अरेबिक डेजर्ट बासबूसा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हलवा केक या बासबूसा बनाने के लिए हमने लिया है 3/4 कप सूजी, 3/4 कप है डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 कप है पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप हम पाउडर्ड शुगर बाद में डालेंगे, 1/4 कप है मैदा। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल, 1 चम्मच हम डालेंगे वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 डालेंगे अंडा। अंडा डालना ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, बिना अंडे के भी बना सकते हो, बाकी रेसिपी सेम है। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, 1/2 कप इंग्रेडिएंट्स हमने रूम टेम्परेचर पे लिए हैं। इसे हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। हम अपना ओवन 170 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए लगा देंगे। हमें अपने बैटर को रखे हुए 5-10 मिनट हो गए हैं, हमारी सूजी भी फूल गई है। ये थोड़ा सा थिक हो गया है बैटर। मैंने लिया एक बेकिंग पैन, इसे ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर लिया है ताकि हमारा केक बाद में आसानी से निकल जाए। हम अपना बैटर इसमें डाल देंगे। अब हम इसे 170 डिग्री पे 35-40 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। सूजी हलवा केक के लिए अब हम बनाएंगे एक शुगर सिरप। उसके लिए लिया है 1/2 कप चीनी और 1/2 कप डालेंगे हम पानी। इसका हम एक शुगर सिरप बना लेंगे। हमें ये एक चाशनी नहीं बनानी है, इसे थिक नहीं करना, बस शुगर को हमें डिजॉल्व ही करना है। हम अपना गैस बंद कर देंगे। हमारा शुगर सिरप बन गया है, चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे केक के ऊपर डालेंगे। हमारा केक बेक हो गया है। अब हम इसे एक बार पीसेस में काट लेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे अपना शुगर सिरप, चारों तरफ डाल देंगे। इन पे हम लगा देंगे आलमंड्स।
इसे हम एक बार फिर से 170 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमारा बासबूसा केक बनके तैयार है। थोड़ा सा ठंडा होने पर हमें इसका एक पीस निकाल कर देखेंगे। हमारा सूजी हलवा केक बनके तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।